The Daily Show with Muneer Memon. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान में होने जो सैलाब की वजह बारिश होने वाली जो तबाहकारी हैं, बिलखसूस बलूचिस्तान के जो सूबे में जो कुछ हुआ इसके बाद, ये तमाम तर कौम के लिए लम्हा फिक्री है कि आप बलूचिस्तान में बहुत सालों से जो आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलपमेंट्स कर रहे थे, वहाँ पर वैसे भी डेवलपमेंट की जो रफ्तार थी वो कदरे स्लो थी अगर कंपेयर किया जाए दीगर सूबों के मुकाबले में। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान को एक बार फिर से तामीर करना पड़ेगा। जो कुछ तामीराती काम हुए थे जिसमें सीपैक के मंसूबे को भी अगर हम शामिल कर लें तो वो हालिया बारिशों और सैलाब के बाइस काफी ज्यादा मुतासर हुए हैं और ये सूरत हाल यकदम तब्दील हुई। आज से 6 माह पहले अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रोग्राम में इस बात को का तस्करा किया था कि बलूचिस्तान में बेशतर मकामात पर खुशहाली है और ये खुशहाली सालों लंबी खुशहाली चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो बारिशें हुई, अब जो सैलाबी पानी आया वो इतना आया कि उसने पूरे बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब समेत आधे पाकिस्तान को डुबो के रख दिया। ये सैलाबी पानी का जो जोर है वो इतना ज्यादा है कि आज तक ये सैलाबी पानी वहां उन इलाकों से निकाला ना जा सका और आज भी बहुत से इलाकों में बलूचिस्तान के 2 से लेकर 4 फिट तक ये पानी खड़ा हुआ नजर आता है। और इसमें मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं, हम हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब यासीन बुलेदी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनसे जरा जानते हैं कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त कहाँ पे ये मौजूद है और वहां पे सूरत हाल क्या है। यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सर। यासीन साहब सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त आप बलूचिस्तान के कौन से इलाके से मुखातिब कर रहे हैं, कहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त आप? सर इस वक्त मैं बलूचिस्तान के जिले लखीला में मौजूद हूँ, लेकिन बलूचिस्तान का जो मजमू सूरत हाल है, जो बारिशें और सैलाब हुए थे उसमें बहुत सारी तबाहकारियां हुई है। मजमू तौर पर बलूचिस्तान का 7% आबादी काफी मुतासर हुआ है। इसमें सर जिले लसबीला, बोलान, बागनाड़ी, लोरालाई, पंजगोर, टिप्पी, हरनाई, लुश्की और खारान के अलावा सूबे दारुल हुकूमत बेटा भी काफी हद तक मुतासर हुआ है। इसके अलावा सर पश्तून बेट की भी यही सूरत हाल है। जियारत किला टेपुल्ला, किले अब्दुल्ला, छमान, पशीन में भी मकानात जमीन बोस होकर रह गए हैं। लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं, कड़ी फसलें तबाह हुए हैं, नुकसान काफी हद तक हो चुकी है। माल मवेशी सैलाबी रेलों के नजर हो गए हैं और सबसे बड़ी सर अलमिया इंसानी जानों के जिया का है, जो कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजमू तौर पर 400 के करीब लोग सैलाबी रेलों में बहकर शहीद हो गए। यासीन साहब ये जरा बताएं कि बलूचिस्तान में जिन इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ वहां पे लोगों का आम जरिया माश क्या था, लोग जिंदगी गुजर बसर करने के लिए क्या काम किया करते थे? ये सर एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा माल मवेशी थे लोगों के सर। तो ये समझा जाए कि अब जो सैलाबी पानी है माल मवेशी सारा बह गया, जो जमीन के ऊपर फसलें थी वो सारी तबाह हो गई। जी जी सर बिल्कुल, मैं तकरीबन अक्सर बेशतर 100% डिस्ट्रिक्ट लसवेला, डिस्ट्रिक्ट पंजगोर, दूसरा सर ये किले शेपोला, बहुत सारे ऐसे इलाके 100% फसलें तबाह हो चुकी हैं, माल मवेशी मर गए हैं और वहाँ कीमती जानों का जिया भी हो गया है। और यासीन साहब ये भी जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि जिन इलाकों की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वहाँ पे बेशतर जो लोग हैं वो छोटे किसान हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो? जी सर बिल्कुल छोटे किसान हैं सर, उनको तकरीबन अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, उनको मातम जराय की तरफ से कोई किसी किस्म का ना पहले सपोर्ट था और ना अभी है। सिर्फ अभी बलूचिस्तान में जितना ये सैलाब की तबाहकारियां हुए हैं, पाक फौज सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी तक पाक फौज की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रिफाही इदारे भी रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन जितने नुकसान हुए थे उनकी अजालत तब तक वफाकी हुकूमत ना करे या कि दुनिया से इमदाद ना मिले, यहाँ लोग बाकर खुशी पर चले जाते हैं। और ये जो सूबाई हुकूमत के हवाले से अगर आप कुछ रहनुमाई फरमा सकें तो इस वक्त सूबाई हुकूमत कहाँ है? हम बड़े सारे मामला देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जिस अंदाज से शायद अपना किरदार अदा कर सकती थी वो नजर नहीं आ रही उस तरीके से ग्राउंड पे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ सूबाई हुकूमत का बिल्कुल कहीं कोई रोल नहीं है। सूबाई हुकूमत लोगों को रेस्क्यू नहीं कर रहा था, सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का इमदाद नहीं है, वफाकी हुकूमत कर रहा है, दूसरा अपना पाक आर्मी कर रहा है और कुछ इंटरनेशनल और लोकल एनजीओ से तंजीमें फलाही रिफाही इदारे हैं, यही लोगों को रेस्क्यू और
उनकी बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सूबे बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। सूबाई हुकूमत सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है, अमली तौर पर फील्ड में सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नजर नहीं। आपने देखा कि इन तमाम पर बारिश के सैलाब के पानी के दौरान जब लोग परेशानी से दो चार है तो कोई MNA, कोई MPA, कोई सूबाई वजीर, खुद चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान वहां पे आए हो? नहीं सर, सिर्फ वजीर आला बलूचिस्तान ने दो तीन डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया था इसी दौरान जब सैलाब आया था, लेकिन एक ही सर्किट हाउस या कोई दूसरा रेस्ट हाउस से यहाँ से होकर वापस चला गया और फिजाई मुआयना के बाई रोड कहीं कोई सूबाई नुमाइंदा मतलब आप कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर पे सवार हुए और उन्होंने फिजाई मुआयना किया, वो भी एक मुख्तसर से महदूद से हिस्से का? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको नहीं दिखा कि उनकी उनकी जानिब से कोई सूबाई वुजरा की कोई आए हों, जमीन पे मौजूद हों, रिलीफ के काम में मौजूद हों? क्योंकि हम देखते हैं कि माशाल्लाह बलूचिस्तान में तो काफी ज्यादा जो सूबाई वुजरा हैं, जो वहां पे सूबाई पार्लियामेंट में जो लोग मौजूद हैं वो तो काफी ज्यादा वेल ऑफ हैं और माशाल्लाह काफी ज्यादा मालदार लोग हैं सर, तो उनकी तरफ से कोई इस तरह से इकदाम नहीं उठाए गए? नहीं सर, यहाँ सिर्फ एक सीनेटर मैडम समीना जेरी, समीना हसन जेरी, उसने कुछ डिस्ट्रिक्ट लसवेला में टेंट या राशन एक दो दिन के लिए तकसीम किया था, बस उसी के बाद से बलूचिस्तान हुकूमत या MNS, MPS, सीनेटर वगैरह किसी का वहाँ नाम निशान नहीं है। यासीन साहब इस बारे में रहनुमाई फरमाइएगा कि हमारे पास जो इतलात मौजूद है कि बलूचिस्तान में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां इमदाद जरूर पहुंची, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर अभी तक इमदाद नहीं पहुंची और खुदा ना खासा इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर आने वाले चंद घंटे या चंद रोज में उन तक इमदाद ना पहुंची तो हम और ज्यादा इंसानी जाने नुकसान होता हुआ देखेंगे। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बलूचिस्तान के जिले लसवेला में बहुत सारे ऐसे देही इलाके हैं जो अभी तक लोग पानी में डूबे हुए हैं और वहां तक इमदाद नहीं पहुंची है। और दूसरी सर जानेब बागनाड़ी, बोलान और ये अपना बशीन के एरिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक लोगों तक रसाई नहीं है और दूसरा उनके पास अभी तक इमदादी सामान नहीं पहुंचे। जी, और इस वक्त अगर मैं इमदादी सामान की सूरत हाल की बात करूं तो वहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा कौन सी चीजें इसकी जरूरत है? क्या राशन की जरूरत है, खेमों की जरूरत है, टेंट्स के अलावा कंबल की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त? जी सर, एक तो अशियाए खुर्दनोश की काफी जरूरत है और दूसरी अहम बात यहाँ किस किस्म के अशियाए खुर्दनोश चाहिए वहां के लोगों को ये भी बताएं, क्योंकि यहाँ पे एक रुझान पाया जा रहा है कि वहां पे महज बिस्किट भिजवाए जाए और क्योंकि वहां पे शायद आग जलाने के लिए या दीगर खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं है, दीगर सामान नहीं है, तो किस किस्म की आपको अशिया चाहिए, आपको खाना पकाने के लिए बर्तनों की भी जरूरत है ये भी बताएं प्लीज। हाँ सर बिल्कुल, खाना पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत होती है, गैस सिलेंडर की जरूरत है, हर जगह लकड़ी दस्तियाब नहीं है, लोग पानियों में फंसे हुए हैं, और दूसरा सर बिस्किट और खुश खाने की भी जरूरत है। और दूसरी जानब सर, जिन इलाकों में ये फ्लड आया था वो मोजी महाराज वहाँ वबाई शक्ल में भी फैल चुके हैं, जैसा की बीमारी है, स्किन डिजीज है, आंखों के मसले हैं, बहुत सारे बीमारियां भी वहां से अभी शुरू हो। आपका मतलब यह है कि वहां पे जो पानी है वो भी आलूदा है और उस पानी को फिल्टर करने के लिए भी कुछ निजाम होना चाहिए? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। और यासीन साहब जरा ये फरमाइएगा रहनुमाई हमारी कि वहां पे इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, क्योंकि सर्दियों का मामला कब से शुरू हो जाता है, हम इस वक्त सितंबर में दाखिल हो चुके हैं और मौसम अब तब्दील होना शुरू होता है वहां पे? जी सर, यहाँ तकरीबन कुछ जुनूबी बलूचिस्तान और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लसवेला या कला डिवीजन में अभी मौसम नॉर्मल है, बिल्कुल इतना सर्दी नहीं है, लेकिन कुछ ज्यारत बोलान और कुछ ऐसे इलाके वहाँ मौसम चेंज हो गया। और अगर अगले एक आध महीने बाद की सूरत हाल में अगर जानना चाहूँ तो फिर वहाँ पे मौसम कैसा होगा? सर इस महीने के बाद वहाँ काफी ठंड होगी और लोग तो एक भूख और दूसरे ठंड से भी मर जाते हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि सो बहुत से वहाँ पे जो लोग हैं जिनके घर इस सैलाबी पानी से बह चुके हैं शायद इस सर्दी को बर्दाश्त ना कर सकें, खासतौर पर औरतें और बच्चे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट लसवेला में, डिस्ट्रिक्ट बोलान में, खासतौर पर हमारा सूबे दारुल हुकूमत क्वेटा भी काफी मुतासर हुआ है,
और वहाँ सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए झोपड़ी भी नहीं बना सकते, घर तो अपनी जगह है। और जमीनी रास्ते का जरा बताया ना कि वहाँ पर सड़कों की सूरत हाल कैसी है, खासतौर पर वो सड़कें जो बलूचिस्तान को दीगर शहरों से दीगर सूबों से कनेक्ट करती है। जी सर, हमारे यहाँ तो दो बहुत बड़ी अहम शाहराएं हैं, एक तो सी पैक और दूसरा सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह है। ये तो पानी की वजह से और बारिशों की वजह से सिंध बलूचिस्तान का रास्ता बिल्कुल मुनकते था पूरा 2-3 हफ्तों तक। उसके बाद यहाँ रिलीफ ऑपरेशन के बाद और पाक आर्मी ने रास्ते को सफर के लिए बहाल कर दिया। और दूसरा सी पैक जो है वो बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक बिल्कुल तबाह है, गवादर से लेकर रतुडेरो तक ये बिल्कुल नाकाबरे सफर बन गया है। और दूसरे सर काफी पोल भी टूट चुके हैं और बहुत जगहों में रोड टूट फूट का शिकार है। यासीन सर, ये बड़ी अहम आपने बात कही है कि सी पैक का जो मंसूबा है इससे बहुत तक मुतासर हुआ, इस बारे में मजीद बताइएगा कि जो सी पैक के लिए जो शाहराएं बनाई जा रही थी, जो अंडर पासिस, जो ब्रिजेस बनाए जा रहे थे, जो बैराजेस बनाए जा रहे थे उसके रस्ते में, वो सूरत हाल कैसी है? क्योंकि सुनने में आ रहा है वहां भी जो हालात है वो बेहतर नहीं है। जी सर, बिल्कुल हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है। एक तो कोस्टल हाईवे था जो गवादर से कराची आता है और दूसरा गवादर से सुरपत वरसते पंजगुर पेटा और रतुडेरो से यही रास्ता होके चला जाता है काकिर तक। ये पूरा रास्ता ये खुजार के एरिया में सुरपत पंजगुर और गवादर एरिया में काफी टूट फूट का शिकार है, पोल सारे गिरे हैं, रोड की ड्यूरेशन खत्म हो गई है, नाकाबिले सफर है और बड़ी ट्रिपे के लिए नामुमकिन है बड़ी ट्रिपे का आना जाना। जी, और इस वक्त ये बताइएगा कि वहां पे मोबाइल नेटवर्क की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बिजली का निजाम हो, मोबाइल नेटवर्क की बात हो, वहां पे आमदोरफ्त की जराए की बात हो, वो क्या वहां पे मामला है इसके बारे में प्लीज बताइएगा। जी सर, जराए बिलाद काफी मुतासर है, उसमें कम्युनिकेशन हो, रोड हो, बिजली का मामला हो, यहाँ अक्सर बेशतर इलाकों में बिजली के खंभे गिरे हैं, अभी तक बिजली को बहाल नहीं किया गया है। मोबाइल जब बिजली के खंभे गिरे हैं मोबाइल भी काफी मुतासर हो गए हैं, मोबाइल के नेटवर्क बंद हैं और अक्सर बेशतर बलूचिस्तान के ज्यादा इलाकों में इससे पहले भी मोबाइल नेटवर्क काफी बंद किए हुए थे इदारों की तरफ से, मुल्क सलामती का वो इशू के नाम पर ये कर रहे थे नेटवर्क बंद थे, इंटरनेट का बिल्कुल सिस्टम नहीं था और ये बारिशों ने सारा सिस्टम तबाह करके रख दिया। और यासीन साहब इस बारे में जरूर बताएं कि वहां पे ये बात भी है कि पानी निकलने के लिए जो वहां पे जो शहरी आबादी में पानी दाखिल हुआ या जो लोगों की जमीनों में पानी दाखिल हुआ, क्या कोई तकमीना लगाया जा सकता है कि ये पानी मजीद कितने दिनों में निकल जाएगा या उन जमीनों से दूर हट जाएगा? जी सर, यहाँ लोकल बॉडी जितने हैं बलूचिस्तान के इस हवाले से नक्काशी आपके लिए किसी किस्म का अमली एकदम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कुदरती तौर पर जितना पानी खुश्क होने का अंदाजा है वो तो महीना भी लग सकता है। और एक महीना आप कह रहे हैं कि पानी खुश्क होने में लग सकता है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो भी इस सूरत में कि अगर मजीद बारिशें ना हो, अगर इस दौरान अगर कोई बारिश का स्पेल आया तो ये बड़ा खौफनाक हो जाएगा। जी 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 सर, बिल्कुल। और दूसरी जानब सर, ये डेंगू मलेरिया वगैरह इसकी भी अलगार है, हर तरह पानी की पानी है, ना कहीं कोई स्प्रे हो रहा है, ना सफाई है, ना नक्काशी आपका इंतजाम है, पूरा बलूचिस्तान अभी बंजर बन के रह गया जी। तो यासीन साहब अभी जो इत्तलात है कि वहां पे तो मलेरिया डेंगू का मर्ज बहुत है, ये भी इत्तलात है कि जो पानी वहां पे खड़ा हुआ है उसमें वहां पे उससे मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं, और फिर ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि मिड ऑफ सितंबर में गालिबन बारिशों का एक और स्पेल आ सकता है। इस वक्त लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास छतें नहीं है, मकानात नहीं है, टेंट्स नहीं है, खेमे नहीं है। सर, ये तो खुदा ना करे हम जो तबाही देख चुके हैं इससे कई ज्यादा और मजीद तबाही हो सकती है। जी सर, बिल्कुल। अगर सर सितंबर के एंड में अगर कोई बारिश या मजीद बारिश हो गया तो मैं यही समझता हूँ कि 60% पहले मुतासर था, अभी 100% बलूचिस्तान मुतासर होगी। और दूसरी बात सर, यहाँ जो नक्काशी आब हैं, पोल हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इनमें बिल्कुल हालात ऐसा है, सूरत हाल ऐसा है कि अगर मजीद बारिश हो जाए तो देहातों के देहात बल्कि सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने सुना यासीन बुलेदी साहब जो कुछ फरमा रहे थे, और इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे ये जो काम किया जा रहा है वेलफेयर का, यकीन तौर पे कि हर कोई अपनी तरफ से अपनी मदद आप
कोशिश कर रहा है कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क कौम के लिए जो कुछ कर सके करे, लेकिन अगर आज आप सोच रहे हैं कि कुछ वक्त मजीद रुक जाए या कोई दूसरा ख्याल है, तो यकीन करें कि शायद हमारे पास सोचने का वक्त भी नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है, और ना सिर्फ बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब की जो सूरत हाल वो इतनी ज़्यादा अलमनाक है कि अगर बारिशों का एक और स्पेल आया तो आज भी वहाँ पर आलम यह है कि अगर आप अपने प्यारों को दफनाने जाएँ तो ज़मीन का वो टुकड़ा नहीं मुहैया जो कि खुश हो जहाँ पे किसी इंसानी जान को दफनाया जा सके। आज भी वहाँ पे जो पानी जो बहते हुए नदी नालों से गुजर रहा है उसमें कहा तो नहीं जा रहा, जबान भी साथ नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पे उसी पानी में एक तरफ इंसान पानी पी रहे हैं तो दूसरी जानब लोग अपने प्यारों की लाशों को तैरता हुआ देख रहे हैं, अपने माल मवेशी को तैरता हुआ देख रहे हैं, और ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर अब बहुत बहुत खौफनाक है। और वहाँ पे बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हैं जो कि आने वाले 25 दिन बाद जो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, और बलूचिस्तान रीजन में अक्सर बड़ी ठंड होती है, बर्फबारी भी होती है बहुत से इलाकों में, तो वो जो फिर सूरत हाल है वो हमारे हाथ से इतनी तौर पे काबू से बाहर हो सकती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जल्द अज जल्द जितनी बड़ी तादाद में हो सके रिलीफ की सरगर्मियों में आप खुद जाएं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और उन इलाकों तक पहुंचने से बेहतर है कि आप अगर नहीं पहुंचे लेकिन उन लोगों को जो आपको लगता है कि इस माल को या इस सामान को या इन वसाइल को बेहतर अंदाज में वहां तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों का साथ, उन लोगों के साथ जुड़ जाएं, और अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो यकीन तौर पर आप करें, क्योंकि ये इस वक्त उन लोगों का हक है और आपका फर्ज है, ये फर्ज आपको अदा करना होगा, क्योंकि ये जो आज आफत हम देख रहे हैं जो कि शायद हम तक नहीं पहुंची उस तरीके से डायरेक्टली, लेकिन कल को ये सूरत हाल हमारे साथ भी हो सकती है। और ये लम्हा फिक्रिया है तमाम तर उन लोगों के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी करप्शन की नजर कर देते हैं, लूट का माल बनाने के लिए लगा देते हैं, तो ये अल्लाह पाक दिखाता है कि जब निज़ाम चलता है कुदरत का तो फिर कोई बादशाह कोई फकीर नहीं रहता, सब बराबर हो जाते हैं, और फिर बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो वो इसी खुले आसमान की छत तले बैठा हुआ नजर आता है और अल्लाह की तरफ से वो मदद का तलबगार होता है, उसी तरीके से जो जैसे कोई एक आम शख्स होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये जल्द अज जल्द काबू पाए, और ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध, पंजाब, KPK, पाकिस्तान का हर एक हिस्सा, इनफैक्ट आलमी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं, खासतौर पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कुछ हो रहा है, इस पे पूरी आलमी दुनिया को बैठ के संजीदगी से कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। शायद बड़ा नुकसान हो, वक्ती तौर पर उस नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता, मजीद अफोर्ड नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो काबू में आए, और इस दुआ के साथ के अल्लाह पाक हमारी पूरी कौम को, तमाम तर मुसलमान जो जहाँ बसते हैं उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस दुआ के साथ आज आपसे प्रोग्राम से रुखसत चाहते हैं। अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।